एवरीवन, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो देखो, मैंने मटर के चिकलों से कुछ करने वाली हूँ। तो लोग उसको यूज़ भी करते हैं, फेंक भी देते हैं, तो मैं इसका यूज़ करने वाली हूँ सब्जी बनाने में। तो मैंने ना सुना था, तो देखो मैंने ये चीज़ को जो सॉफ्ट सॉफ्ट होता है ना, उसको अलग करना होता है। तो किस तरीके से अलग करना है मैं बताती हूँ आपको। देखो, ये जो सॉफ्ट है ना, आपको उसको रखना है और थोड़ा पन्नी पन्नी जैसा होगा ना, तो उसको रिमूव करके हटा देना, क्योंकि ये पकता नहीं है। तो इसमें यही मुझे एक घंटा लग गया सब करने में। तो देखो, ये चीज़ को आपको हटा देना है और बाकी चीज़ों को आपको रख देना है। तो मैंने इसमें आलू कट कर दिया, आलू के संग बनाऊंगी। और यहाँ पे प्याज कट कर दिया, टमाटर कट कर दिया है, लहसुन भी छील दिया है। तो चलो करते हैं तैयारी। तो यहाँ पे मैं अब छौंक लगा रही हूँ जीरे का। आप कड़ी पत्ता डालो, मैंने कड़ी पत्ता भी डाल दी, जो डालना चाहते हो। तो यहाँ प्याज डाल दिया है, लहसुन डाल दिया है। तो चलो इसको करते हैं फ्राई। तो फ्राई करने के बाद इसमें डालेंगे टमाटर। तो उसको टमाटर को गलाने के लिए नॉर्मल लोग क्या है, नमक डाल दे। तो आप नमक डाल लो सॉफ्ट करने के लिए। तो ये फ्राई हो जाए अच्छे से, तो इसमें आप सब्ज़ी डाल दो। तो मैंने सब्ज़ी वगैरह डाल दी है। फिर इसको, फिर क्या है, इसके ऊपर मसाला डालो। बहुत नॉर्मल जैसे सब्ज़ी बनाते हैं वैसे बनाना है। हल्दी डाल दो, मिर्ची डाल दो, बेसिक मसाले हैं वो यूज़ करो आप। फिर मैंने मिक्स कर दिया है मसालों में। तो उसको ढक के अब रख देते हैं पकने के लिए। तो बहुत अच्छी सब्ज़ी बनी थी, देखो बन चुकी मेरी सब्ज़ी। तो कैसी लगी आपको रेसिपी, बताइएगा जरूर। बाय।